वाणी भाई सबको बजे। देखो कंजंक्शन में एक्चुअली दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहला है कंसेप्ट। कंसेप्ट हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं। कंजंक्शन का काम दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है और सेंटेंस को बेसिकली फॉर्म करता है वर्ब। सो इनफैक्ट अगर कंजंक्शन यूज होगा तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। डन। जैसे एक क्वेश्चन, एरर क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? अभी आपके पास दो सेंटेंस है, क्लियर क्लियर। और सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पे कोई यूज हुआ है क्या? मैं एक काम करता हूं जो शायद तुम लोग नहीं कर पा रहे होगे या फिर नहीं कर रहे हो। अच्छा शुद्ध करो, जरा करेक्ट करो तो इसको। जल्दी मैं एक काम करता हूं, जरा देखना। मैं इसलिए खाली जगह पीपल के पहले लगा देता हूं, सही हो जाएगा गलत। कंसेप्ट वाइज बस एक चीज है ध्यान रखना, कंसेप्ट वाइज इतना ही है कि अगर आपने कंजंक्शन का यूज किया तो आपके पास दो सेंटेंस का आपने अगर यूज इस्तेमाल किया तो सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट बस इतना ही है और कंजंक्शन का मतलब एक वर्ब यहां दूसरा वर्ब यहां। डन। दो सेंटेंस हो गया, जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब अगर मैंने इसको यहां किया जो और सेंटेंस अब सही हो गया तो शायद इसको हम नहीं जानते, इसको हम नहीं जानते हैं। दैट इज वाई आपको अपने तरफ से लगाने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए बेसिकली जो थॉट है वो ये कि कंजंक्शन में बेसिकली रूल्स ही होते हैं। आप बस दोनों भार को टारगेट करो, लेकिन ये वर्ड बेस्ड एरर है। ये जो एरर होता है, आपको अगर दो या ऑल दो का एरर अगर यूज करना है तो ये वर्ड तो सेंटेंस में चाहिए ना, ये वर्ड तो सेंटेंस में लगा हुआ होना चाहिए, तभी तो दो या ऑल दो का एरर आएगा। अब ये तुमको पता होना चाहिए कि दो या ऑल दो का एरर क्या है और वो वर्ड सेंटेंस में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। अच्छा अगर मान लो कि सेंटेंस में हमारे पास ये नहीं लगा हुआ है तो, या नो सुनर नहीं लगा हुआ है तो नो सुनर का एरर हो जाएगा क्या सेंटेंस में? So, ये एक्चुअली रूल्स जो है वो वर्ड बेस्ड है और बेसिकली तुमको करना क्या है कि वो वर्ड की पढ़ाई करनी है। कंसेप्ट वाइज बस इतना ही कि देयर शुड बी टू सेंटेंसेस टू वर्ब्स। अब इसको देखो, अभी के बाद से जितना शुरू होगा वो खाली शब्दों का अब ग्रामर शुरू होगा। ग्रामर अलग से नहीं पढ़ना है थ्योरी में, इस शब्द का क्या ग्रामर है। आपने सुना होगा इन शब्दों को, ठीक है, यूज जानते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं,
कंसेप्चुअली अगर मैं सिंपल बात करूं कि ये वही इस्तेमाल करते हैं जहां पे बट का इस्तेमाल होता है, इन चारों पांचों का एज ए कंजंक्शन मीनिंग सेम होता है। अब गड़बड़ क्या होगा इस वर्ड को और इस वर्ड को? आपने इसको देखा होगा, एक जगह आपने यहां देखा होगा इसको, और येट के साथ लफड़ा यह है कि येट अगर हम बोले तो हमारे दिमाग में चूंकि यही एक यूज बताया गया है तो सबसे पहली चीज यही दिमाग में आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है। He is still sleeping. वह अभी भी सो रहा है, ये अभी तक नहीं आया है। ये दोनों यहां पे कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। वर्ड्स का अलग अलग, जैसे येट का एक्चुअली उस बट वाले मीनिंग को छोड़ दो तो येट का दो मीनिंग होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव अगर हम लोग हिंदी में लें, अभी तक रूल प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में आएगा वो, दूसरा द मैच इज येट टू स्टार्ट, उसमें क्या होता है आप इज वाज लगाते हो प्लस येट का इस्तेमाल करते हो प्लस एक इन्फिनेटिव का यूज करते हो और मीनिंग अभी ये काम होना शुरू होना बाकी है, मतलब शेष है। द मीटिंग इज येट टू कंक्लूड, आई एम येट टू फाइल माई रिपोर्ट, गेटिंग? सो येट का इन दोनों मीनिंग को अलग आप अगर छोड़ दो तो मैं येट का तीसरे मीनिंग की बात कर रहा हूं, एंड दैट मीन्स बट। स्टिल का अभी भी का मीनिंग अगर है ही इज स्टिल वीक, उसको अगर छोड़ दो तो स्टिल का मीनिंग बट हो जाएगा, और अगर मैं स्टिल को वहां पे बट के सेंस में इस्तेमाल करूं तो देखो तो सेंटेंस सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ बट पीपल अप्रोच हिम फॉर एडवाइस, ओके ना? अब मैंने स्टिल का जगह क्यों चेंज किया है, वहां पे बट का क्यों नहीं मीनिंग आता है, ये एक लफड़ा है। एक तो हो सकता है कि बट लगा हुआ है तो हम उसको छोड़ देते वहीं पे, बट का मीनिंग तो आ ही रहा है, सेंटेंस को जोड़ ही रहा है। यूज में भी थोड़ा सा चेंजेज है, यूज में चेंजेज है। आपके एग्जामिनेशन में इसका भी एक क्वेश्चन आ गया था, ये हटा रहा हूं। बट लगाओ तो कहां लगाओगे और कैसे लगाओगे? कोई भी लग सकता है, मैं अभी मीनिंग वाइज नहीं बोल रहा हूं, सबका मीनिंग बट का है तो कोई भी लग सकता है। अंतर इतना ही है कि आपके पास यहां पे अगर यूज करना है सेंटेंस के शुरू में, इस सेंटेंस के शुरू में, तो आप बट लगा लो, येट लगा लो, नेवरदलेस लगा लो, स्टिल यूज कर लो। हां, इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है हाउएवर में। हाउएवर को आप यहां भी रख सकते हो, और बट में हो सकता है कि बट लगाने के बाद यहां पे कॉमा आदि लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? लेकिन हाउएवर के साथ क्या है कि जब आप हाउएवर को यहां यूज करोगे तो ऐसे होता है, ही जिल, आप सेमीकॉलन डालो, हाउएवर
ही वॉन्ट्स टू प्ले. एक दूसरा कि आप हाउएवर को अपने सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो, लेकिन इन चारों को सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखा जा सकता. बट लिखना होगा आपको पहले लिखना होगा, स्टिल लिखना होगा पहले लिखना होगा, ठीक है. लेकिन हाउएवर के साथ एक रूल है कि सब्जेक्ट के बाद आप हाउएवर उसके पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा डाल के बट वाले मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हो. देखो मेरे हिसाब से सेमी कॉलन डाल सकते हो वो, और वो देखो इसमें बस तुम्हें चूंकि पंक्चुएशन मार्क को बहुत ज्यादा लेन-देन नहीं करना है आपको, बस इतना ही है कि बट के सेंस में अगर आप पांचों को यूज करो सेंटेंस के शुरू में रख सकते हो. बस एकमात्र वर्ड है हाउएवर जो अपने सब्जेक्ट के बाद रखा जा सकता है, बस इतना ही एक टारगेट पर रखो. ही हाउएवर वॉन्ट्स टू प्ले आप लिख सकते हो, लेकिन ही बट वॉन्ट्स टू प्ले रॉन्ग, ही स्टिल वॉन्ट्स टू प्ले रॉन्ग, He yet wants to play wrong, but के सेंस में, but he however wants to play right. इसको याद. और ये क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक स्पेस मार दिया, बट दिया था, येट दिया था, स्टिल दिया था, हाउएवर दिया था. अब सबको मीनिंग वाइज तो बट सबसे अच्छा लगेगा ना, लेकिन क्या मीनिंग चाहिए? तो जबकि सब्जेक्ट के बाद डालना है तो इट शुड बी हाउएवर. हाउएवर का स्पेशल यूज. Of course, as a conjunction. Meaning clear हो रहा होगा. चाहे तुम कितना भी effort लगा लो, मेहनत कर लो, तुम इस question को time limit में नहीं solve कर पाओगे, ठीक है. However का एक और use होता है, जब आप however को के just बाद, अच्छा ये तो गड़बड़ अगर तो होगा ना, you may try hard होता नहीं होता. हार्ड यहां पे एडवर्ब है, मेहनत, हार्ड का मेहनत है. हाउएवर का एक यूज होता है, जब आप हाउएवर के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा के एसवीओ लिखते हो, और इसका मतलब होता है चाहे जितना भी ये हाउएवर फास्ट यू रन, चाहे जितना भी तेज तुम दौड़ लो, यू कैन नॉट कंप्लीट द रेस. इसका एक और इक्विवेलेंट होता है, या तो हाउएवर लिखिए नहीं तो लिखिए हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं. ये भी लिखा जा सकता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू मे ट्राई. ये तुम्हारा पार्ट हो गया. बट का एक यूज, इतने दूर का मीनिंग क्या? मैं सेंटेंस आगे लिख रहा हूं, ये एक प्रीपोजिशन हो जाता है. बट फॉर योर हेल्प मीन्स विदाउट योर हेल्प, प्रीपोजिशन.
यू जानते होगे, इसका जानते हो तो चारों का जानते हो, दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए।